कल्चर काफ़ी अच्छा है भैया, हमसे ना टकराना, हमसे ना टकराना परिवार के वो हम सदस्य बने, एक डायरेक्टर मिस्टर उमर खान, प्रोड्यूसर मनप्रीत सिंह जी बानी, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट हुआ, बहुत प्यारा हमें और सवाल करिए जी। मेरा जो इसमें किरदार बा, सॉरी वो में हम पागल के कैरेक्टर में बानी, बहुत अच्छा कैरेक्टर बा, चैलेंजिंग कैरेक्टर बा, जौना के हम कोशिश करब क्योंकि निभा पाई जी। डायरेक्टर साहब से तो ये उम्मीद बा कि जौन वहाँ के पिक्चर बनीले बानी काफ़ी अच्छा आइल बा, यो पिक्चर वहाँ के जौन बनाओ तनी वो टेक्निकल ग्रुप से लेके हर तरह से मजबूत रही, काफ़ी अच्छा वहाँ के डायरेक्शन में हम काम करे के इच्छा रहा जौन की हम कर रहा बानी। किस तरह की रही स्टोरी पिक्चर की, हमसे ना टकराना? भाई हमसे ना टकराना के मतलब कि हमारा आगे के वही नहीं खे, हमसे जे टकराई वो अब पिक्चर के ये संदेश देता कि हमसे जे टकराई वो अब हमारी आगे केहू कुछ ना रह पाई। कास्ट के बारे में कौन-कौन नाम है, कितने कॉमेडी मूवी और कॉमेडी सीन्स कैसे चला शूटिंग? शूटिंग अब इसकी होने जा रही है और जहाँ तक हम जानते हैं इसके बारे में रवि भाई हैं और राकेश मिश्रा जी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं इसमें जी। संदेश हाँ भोजपुरी जौन माटी होला, भोजपुरी भाषा जौन बा वो हर भाषा से बहुत बढ़िया भाषा, मीठ भाषा होला। ये पिक्चर अपन भोजपुरी में अपन संस्कार छाप छोड़ी, बासी बड़े भैया जितना देश में लोग होली खेले बहुत खुश रहे, खुशहाल रहे, एक दूसरे से रंग लगावे, एक दूसरे से बधाई ले देव, भाईचारा बनल रहे, ये हमारे होली में शुभकामना बा। जी नमस्कार, हम हैं मनोज द्विवेदी और ये फिल्म जो आज मुहूर्त है और उसका नाम है हमसे ना टकराना, बहुत खूबसूरत टाइटल है और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे फेवरेट डायरेक्टर उमर खान जी हैं और जब से मैंने उनकी फिल्म देखा प्यार जब केहू से हो जाला, हमारी बड़ी तमन्ना थी कि भैया एक बार हमें भी काम देके मौका देके देखिए, आपके साथ काम करने का मौका मिले। इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया कि तुम हमसे ना टकराना में किसी ना किसी से टकराओगे, खूब मज़ा आएगा। किस तरह किरदार होगा? किरदार तो अभी अच्छा ही होगा क्योंकि अभी बोलना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि भैया ने बोला है कि अच्छा किरदार है और वो जो भी देंगे अच्छा देंगे और हम इस फिल्म का हिस्सा हैं और रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आज फिल्म का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पिक्चर है हमसे ना टकराना, उमर खान जी डायरेक्टर हैं। सर आप एक्शन डायरेक्टर हैं इसमें तो हमसे ना टकराना नाम ही बड़ा टफ। नहीं बहुत अच्छा है एक्शन पिक्चर पर मूवी। आपका किस तरह की एक्शन? इसमें अच्छा एक्शन, बहुत जबरदस्त एक्शन है, जैसा स्टोरी होगा सीन के हिसाब से एक्शन करेगा पूरा पिक्चर का। और क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छी से अच्छी पिक्चर बने, होली बहुत करीब है और होली का सबको मुबारकबाद देते हैं। इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमसे ना टकराने में क्या किरदार है, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, मैं लोटा तिवारी, आप लोग तो जानते हैं कि मेरा एक ही किरदार रहता जोकर का, और हमसे ना टकराना और मांग भरो सजना इस सारी टीम को मैं शुभ मतलब तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। और हमारे प्रोड्यूसर साहब मनप्रीत जी, इनके साथ मैंने एक फिल्म किया है मिशन पाकिस्तान। इस फिल्म में किस किस से लोटा भरवाते हुए नजर आएंगे जी? इस फिल्म में किस किस से लोटा भरवाते हुए नजर आएंगे? जो जो बोलेगा उसी उसी से भरवाऊंगा। किस तरह के मतलब जोकर ही अपना काम एक ही है कि जोकर वाला काम करता, मतलब हास्य अभिनेता ही हूँ तो वही करूँगा। उमर खान के बारे में मैं यही बोलूँगा कि इंसान बहुत अच्छे हैं, अभी तक तो मैं उनके साथ कोई फिल्म नहीं किया हूँ लेकिन ऐसा सौभाग्य है कि मैं पहली बार उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। दर्शकों के साथ साथ जितने अपने चहेते हैं उनको भी यही कहूँगा कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से होली मनाएं, रंग बिरंगी होली मनाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। नमस्कार।
हमसे ना टकराना के आज मुहूर्त पे हम लोग यहाँ इन्वाइट हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एज ए गेस्ट, एज ए आर्टिस्ट यहाँ पर। लेकिन मैं जो इसके हमारे प्रोड्यूसर हैं मनप्रीत सिंह जी और इसके जो डायरेक्टर हैं उमर खान जी, तो मैं उनके तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं और अपने मीडिया वालों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी, पुष्पा शुक्ला। और मेरे दिल से यही दुआ है कि ये फिल्म जो बन रही है हमसे ना टकराना बहुत अच्छी हो और बहुत कामयाब हो, लोग इसको देखे करें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक ऑडियंस हमारी हमारे फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई एक आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो, कोई कितना भी कर ले तो कोई भी चीज़ों का सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि आज एक आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो अपना बोलते ना खून पसीना एक कर देता है उनके इंटरटेनमेंट के लिए, तो वो लोग भी प्लीज़ आएँ हॉल में और ये फिल्में देखें। आप भी होंगी कहीं ना कहीं इस फिल्म से पर्दे पे नजर आएंगे? जी आशा तो पूरी है, जुड़ी हुई है इस फिल्म से, लेकिन जब तक कैमरा फेस नहीं कर लेता एक आर्टिस्ट तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिल्में हैं बहुत सारे उतार चढ़ाते, लेकिन हाँ जहाँ तक कोशिश है हमारी कि इस फिल्म में हम भी हैं कर रहे हैं इसमें काम। उमर खान जी के साथ ये मेरा जो है पहला मौका रहेगा फिल्मों में काम करने का। होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं अपने जितने भी दर्शक हैं सभी को जो है पुष्पा शुक्ला की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और लोगों से यही कहूँगी कि कोई भी त्यौहार का मजा कम ना करें, खूब खेलें, होली रंगों की होली होती है, हमारे यहाँ तो सारे भेदभाव मिटा के एक करने वाली ये होली का त्यौहार है। लेकिन पानी की बर्बादी थोड़ा कम कर दें क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दें। हमसे ना टकराना क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और फिल्म का हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, मैं रितु पांडे, मैं इस फिल्म के सारे कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, इस फिल्म के डायरेक्टर उमर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमसे ना टकराना ये टाइटल में है कि हमसे ना टकराना, तो वही कहावत है कि भोजपुरी में वैसे भी जितने भी लोग एक दूसरे से टकराने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है, बट इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जो बुरा होगा उसका अंत होगा, जो अच्छा होगा वो लाजवाब होगा। तो देखिएगा जब ये फिल्म थिएटर में आएगी, अभी बहुत जल्द इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। और मैं यही कहूँगी कि फिर से एक बार उमर जी को बहुत बहुत बधाई और टीम हमसे ना टकराना। अभी तो मैं इस फिल्म में इन सबको बधाई देने आई हूँ और शुभकामनाएं दूंगी। अगर मैं इस फिल्म को की अगर मेरे पास डेट रहा तो अवश्य मैं भी आप लोगों को नज़र आऊँगी। और चूंकि अभी मैंने एक फिल्म अपनी कंप्लीट की है जिसका नाम है नागदेव, तो कंटिन्यू 4-5 प्रोजेक्ट हैं, तो मैं फिर से एक बार बधाई दूंगी हमसे ना टकराना। होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, रवा लोगन के रितु पांडे की तरफ से हैप्पी होली, जोगीरा सारा रारा, रंग लगाइए एक दूसरे को, बर सेफ होली, घर परिवार के साथ खुशियां मनाइए, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है जो यूपी बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम सब भी मनाने वाले, तो जोगीरा सारा रारा, हैप्पी होली। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमसे ना टकराना के पूरा टीम के? हम भोजपुरी का अरुण सिंह के शुभकामना देता नहीं, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन, तमाम टेक्नीशियन से लेकर आर्टिस्ट जो भी फिल्म से जुड़ल बा और पूरा फिल्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़ल बा, हार्दिक शुभकामना है फिल्म के टोटल सदस्य के। नमस्कार। अभी तक तो मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं हमारी शुभकामना है जो भी हमारे फिल्म के सदस्य होंगे, इस फिल्म में जो भी कलाकार होंगे सब अपने ही अजीज मित्रों में से ही होंगे और एक परिवार में से ही होंगे, तो खुशी होगी जो भी काम करेंगे उनके लिए शुभकामना। हमारी अभी आने वाली फिल्म मैं नागिन तू सपेरा है, 2 तारीख को गदर 2 हमारी रिलीज है, और आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा तो कंटिन्यू फिल्में कर ही रहा हूँ, आते ही रहेगी। हम भोजपुरिया काका अरुण सिंह मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों के होली के ढेर सारा शुभकामना बा, और रंग बिरंग लाल पीला हरा इसे रहेला कलर के रंग वो तरह आप सबके जिंदगी में भी कलरफुल जिंदगी बना रहे, जय हो। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर हमसे ना टकराना? बस आज हमारे प्रोड्यूसर साहब मनप्रीत सिंह को और डायरेक्टर हमारे जो पुराने मित्र हैं उमर खान साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक साथ 2 फिल्म का आज मुहूर्त है, मांग भरो सजना और ये हमसे ना टकराना, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज मैं। तो फिल्म का नाम बहुत डेंजर है हमसे ना टकराना, तो इसमें तो आप भी तो फिल्म भी डेंजर ही बनने वाली है। तो आप भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे? नहीं, मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैं
जरूरी थोड़ी है कि हिस्सा हूँ तभी मैं आऊँ। हमारी इंडस्ट्री का मुहूर्त है, उमर जी हमारे पुराने मित्र हैं तो हम बस आए हैं। हिस्सा होना आवश्यक नहीं है, इंडस्ट्री का हिस्सा होना जरूरी है। नहीं, और आपके आने वाले हमारी आने वाली फिल्म है अभी डमरू, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज है, उसके बाद है सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं, अब ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन सी फिल्म पहले रिलीज होने वाली है, लेकिन जो भी है अच्छी फिल्में आ रही हैं अभी मेरी। बस होली की क्या शुभकामनाएं देना, होली की शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा हमारे तमाम देखने वाले दर्शकों को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली मनाएं अपनी खुशी के लिए, दूसरे को गम ना दें, और ख़ास करके जो जितने जानवर हैं उसमें स्पेशली जो डॉग्स होते हैं उनको, या जितनी चिड़ियाँ होती है, होली के रंग उस पर डाल देने के बाद उन पर क्या असर पड़ता है, बुरा असर, इसका अंदाज़ा शायद हम इंसानों को नहीं है, लेकिन बहुत बुरे कंडीशन में वो सारे डॉग्स आ जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वो मर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि हम अपना रंग खेलें और किसी बेजुबान प्राणी के जीवन को बदरंग कर दें। खास करके इंसानों के भी जीवन को बदरंग करने का हक नहीं है हमारा। ऐसा कोई अबीर, कोई ऐसा गुलाल, ऐसा कोई रंग का इस्तेमाल ना करें जिससे कि लोगों के कोई स्किन डिजीज हो जाए। बस स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करूँगा कि जानवर को सुरक्षित रखें। इंसान तो अपनी सुरक्षा देख लेगा, जानवर नहीं देख पाता है। तो बहुत दर्द होता है जब जानवरों को टूटते बिलखते देखता हूँ, तो मुझे क्या आप लोगों को भी दर्द होता होगा, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। तो होली पे यही आग्रह है, शुभकामनाएं भी होली की, बहुत बहुत मुबारकबाद एंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए ये टाइटल ही हमसे न टकराना, ये साबित करता है कि एक ज़बरदस्त फिल्म भोजपुरी दर्शकों को मिलने जा रही है, और वैसी फिल्म ज़बरदस्त तब बनती है जब इसके निर्देशक उमर खान जी हों, और दो ऐसे नौजवान निर्माता मनप्रीत और देश, ये लोग मिले हैं, और इसमें मेरा बेटा आकाश वो नायक की भूमिका में है, सुवी शर्मा, तनुश्री, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो ये टीम बड़ी अच्छी है, और आज के युवा नौजवानों के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। मेरी शुभकामना है कि ये लोग बहुत सफलता पाएं और एक अच्छी फिल्म हमारे दर्शकों को दें। आकाश जी के बारे में यही कहूँगा कि मैं अपने जीवन में जितना संघर्ष किया था, मैं नहीं चाहता था कि ये भी फिल्मों में आए, और कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उसके उसकी तरह उसका बेटा भी संघर्ष करे, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में ख्वाब देखा, उसका ज़िद देखा, डिटर्मिनेशन देखा कि वो कलाकार ही बनना चाहता है, और इसी यही ख्वाब उसके दिल में नहीं आए, इसके लिए मैं उसको पंचगनी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे, लेकिन विधाता को जो मंजूर है और उस लड़के की ज़िद्द है कि वो आया, तो मैंने कहा कि आप बाज़ाब्ता अगर इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप फाइट, डांस, हर चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए, और जब पूरी तरह वो तैयार हो गए तो मैंने कहा कि बेटा दर्शकों के दिल में जगह बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभिनय का शिक्षा वो घर से लिया या कहीं इंस्टीट्यूट से? अभिनय की शिक्षा तो वो घर से ही लिया, लेकिन नृत्य और फाइट ये बाहर सीखा है, और मैंने बचपन से देखा कि उसमें अभिनय की बारीकियां मौजूद थी जिसको मैंने निखारने की कोशिश की, और अब तक जितने फिल्मों में काम किया, निर्देशकों ने उसके काम को पसंद किया है, तो मुझे लगता है कि इसी तरह मेहनत करता रहेगा तो और उम्दा कलाकार बन जाएगा। पॉलिटिक्स में मैं जब 2014 में चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो मैंने देखा कि काफ़ी नौजवान इसको पसंद करते हैं, और उन नौजवानों के बीच में ये जिस तरह से समस्याओं का जिक्र करता था, तो मुझे ये भी लगा कि मौजूदा नौजवानों की जो समस्या है वो इसको बेहतर समझता है, लेकिन अभी राजनीति में जाने की बहुत देर है, पहले वो इसमें अपनी मकाम बना लें, अपनी पहचान बना लें अच्छी तरह,
फिर अगर वो चाहेंगे तो राजनीति में जाएंगे, और राजनीति तो हमारे खून में है, विरासत में है। हमारे पिताजी भी 12 साल मंत्री रहे बिहार सरकार में, मैं राजनीति में हूँ, तो वो भी एक स्वाभाविक है। और बचपन से उसने लोगों की तकलीफों को, उन समस्याओं को जाना है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में जाएगा तो वो भी बेहतर काम करेगा। उमर खान जी, आपको लगे फिल्म बनाने जो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी बंगला फिल्म का, और आप अभी तक आपके पुत्र उनके साथ काम कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे यकीन है और दिल में बहुत सुकून है, क्योंकि मैंने उमर खान जी के अंडर में काम किया और मुझे लगा कि बहुत सुलझे हुए निर्देशक हैं, और जब उनके अंडर में वो काम कर रहा है तो मैं आकाश के भविष्य को लेके बहुत आश्वस्त हूँ कि निश्चय वो एक अच्छे निर्देशक के अंडर में काम करेगा तो उसकी कला निखर के आएगी। सर जो है मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ है, उन्होंने बुलाया था तो मैं यहाँ पे आया। उससे मैं कर रहा हूँ कनेक्टर जो आपके भोजपुरी नारा है कुंडा तो चाचू चौक्स पर मैं कनेक्टर कर रहा हूँ। बाकी सर आपको पूरा बताएंगे कि फिल्म में क्या है, कैसे क्या चीज़ें बनाई हुई है, किस लेवल पर बनाएंगे। कि आप लोग इस फिल्म का नाम सुन रहे हैं हमसे ना टकराना, ये इसका सब्जेक्ट मैंने सुना हुआ है, इस सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि उमर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दूसरी भी फिल्म है जो मैं प्रेजेंटर हूँ उस फिल्म का, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने उनको नोट किया है कि ठीक है मैं इस फिल्म को प्रेजेंट करूँगा। इसके सब्जेक्ट अच्छे हैं, इसमें स्टार कास्ट जो है नए और पुराने लोगों का मिश्रण है, मिक्स करके हम कर रहे हैं, और भोजपुरी जो है जिस तरह से अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को हमको चांस देना चाहिए जो आगे अच्छा काम कर सके। और उमर जी खुद अपने आप में एक अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी और बहुत सफल होगी। ये सिर्फ नाम का ये है, बाकी इस नाम से और उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें वो सिर्फ नाम है उस, नहीं वो जो फिल्म था वो फिल्म का नाम सिर्फ हमसे ना टकराना, वो मिथुन की अलग फिल्म थी, इसका सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, वो फिल्म नहीं है। अगर वो फिल्म होता तो वैसे मिला। मैं अपने सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के आप लोग के माध्यम से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और होली मनाइए, इंजॉय करिए, लेकिन होली को बहुत ही सलीके से और सभ्य तरीके से मनाइए, और सेफ खेलिए, सेफ। सर धन्यवाद आप, और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आप भोजपुरी के लिए प्यार करते हैं, आपके माध्यम से जिस तरह से भोजपुरी के बारे में प्रचार होता है, बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैं कुंवारा हूँ, लेकिन उसके लिए अभी समय है, समय आने के बाद जो है मांग जरूर भरा जाएगा, अभी तो फिलहाल फिल्म में मांग भरा जाएगा ना। राज के बाद, इसके बाद अगली फिल्म में सात फेरे, अगली फिल्म सात फेरे, ये अच्छा रहेगा। हाँ, रियल लाइफ में सात फेरे होंगे, अभी मांग भरो सजना, और अगली फिल्म जो है सात फेरे, इसके बाद सुहागरात। मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और इस फिल्म से जुड़े हुए सारे कलाकारों को, सारे टेक्नीशियन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि ये फिल्म जो है सक्सेस हो। और चूंकि उमर खान साहब जो है अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं,
और वो फिल्म मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी बनाएंगे, और ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है आज इंडस्ट्री में। कुछ हटके लेके आए, कुछ अलग तरीके के सब्जेक्ट लेके आए, क्योंकि मैंने इस फिल्म का सब्जेक्ट सुना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। आकाश चूँकि कुणाल जी के लड़के हैं और दो तीन फिल्में अभी कर चुके हैं और अच्छा टैलेंटेड है, और ऐसे नए लोगों को चांस देना चाहिए जो टैलेंटेड है, सभ्य लोग हैं। शुभी जी चूँकि पुरानी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, मुझे लगता है उनकी 50 फिल्म होने वाली है, तो लोगों को उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये सेटअप बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, मैं इस बात के लिए तो मैं शुभी को बहुत ढेर सारी बधाई दूंगा, क्योंकि अगर दूसरी कोई लड़की होती तो शायद वो चुप बैठ जाती कि कोई परेशान कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, आप चुप बैठ जाओ, तो उससे हल नहीं होता है। उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया, उस आदमी को अरेस्ट करवाया, और ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के, फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर हो, और मैं रवि किशन के स्टाइल में बोलना चाहूँगा, बाबू ये फिल्म गर्दा मचा दे, बाबू ये फिल्म भूचाल आ गया, अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास बाबू इसका टाइटल है, और मुझे जहाँ तक पता लग है कि बाबू सब लोग देखेंगे। सही बोले भैया, हम मनोज तिवारी भी देखेंगे और पूरा दिल्ली, यूपी, बिहार भी देखेगा, और देखेगा सारा जमाना जब फिल्म लगेगी हमसे ना टकराना। भाई साहब तो अभी एक भोजपुरी में सीरियल किया बिग गंगा पे, बिग मैम साहब, उसमें चाची चॉप्स का कैरेक्टर किया, और भोजपुरी फिल्म के बारे में भी नहीं सोचा हूँ, कभी भविष्य में अगर कुछ हुआ तो देखा जाएगा। अरे मालिक, हैंडसम तो सभी हैं भोजपुरी में, वैसे भी भोजपुरी में हैंडसम की ज़रूरत नहीं है टैलेंट की ज़रूरत है, मेरे कहने का मतलब ये है। किसके क्या मिल आप शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में बोला था, अरे बबुआ हो जाएगा पूरा यूपी बिहार दीवाना, जब थिएटर में आएगी फिल्म हमसे ना टकराना बे खामास। और यानी तुम आपकी बार जाओगे थिएटर में तो बिल्कुल मत शर्माना, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बन रही है, हमसे ना टकराना, हमसे ना टकराना, तो पूरी फैमिली के साथ जाना, समझे बाबा? दूसरी तीसरी फिल्म हमसे मिलते होती है, आज क्या कुछ खास? हमसे ना टकराना नाम ही काफी है, बाकी तो दर्शक देखेंगे तो बताएंगे। मजबूत है, क्या खास बना रहा भोजपुरी में? देखिए अब हम ज़्यादा क्या बोलेंगे, फिल्म लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे तो पता लगेगा ही हमसे ना टकराने के बारे में, लेकिन ये कहानी कुछ हट के ही है, कहानी को हम ओपन नहीं करेंगे, ये बात मैंने आपको कल भी बताई। फिल्म में अपने डायरेक्टर लिया उमर खान को जी, और तो डायरेक्टर नहीं मिला था? उमर खान जी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, उनके अंदर कुछ क्वालिटी मैंने देखी है, इस वजह से उमर खान जी को लिया। उमर खान जी कुछ खास बातें मैंने आपको दो शब्द में कहा, उनके अंदर मैंने कुछ देखा है तभी तो मैंने लिया, ऐसे तो मार्केट में बहुत लोग हैं। अयाज जी हैं और राकेश मिश्रा हैं, तनुश्री हैं, तनुश्री हैं, ऐसे कई लोग। गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और पारिवारिक गाना, पारिवारिक गाना है, फिल्म भी बहुत साफ सुथरी है, भोजपुरी में रोमांस है, एक्शन है, एक्शन है, फैमिली ड्रामा है, इमोशनल है, बहुत जबरदस्त क्लाइमेक्स है। और कौन सी फिल्म आपकी रिलीज होने वाली है? बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगी, मिशन पाकिस्तान बस आने वाली है, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। देखिए अभी तो प्लानिंग जो चल रही है उस हिसाब से अप्रैल में ही होगी, बनारस के आसपास, बनारस के आसपास होगी। सर आप क्या कहेंगे? फिल्म बता तो दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, एक्टिंग नहीं करेंगे, चांस मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा तो कल देंगे, एक मिनट। आपको मोनालिसा का कुछ नचाना है? मोनालिसा के साथ आपको नचना है? अच्छा, नाच लेंगे, नाच लेंगे, उसमें माहिर रहेंगे। मोनालिसा का अभी कुछ गाना गाएंगे?
नहीं अच्छे एक्टर्स हैं बस, और कुछ क्या अच्छा सा क्या सोच के क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या चाहना है, आज के दौर में तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बिना कहे लोग समझ लेते हैं, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये एक टाइटल मेरा जो है मांग भरो सजना, एक अच्छी फिल्म बनाने की मेरी सोच है और वो लेके चल रहा और मैं बनाऊंगा। और उसे बनाने का मेरे भाई मेरे दोस्त राहुल कपूर जी का बहुत बड़ा योगदान है और जो उनके श्रेय से ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। डायरेक्टर तो मेरा हीरा है यार, उनके बारे में क्या बोलूँगा, तो सब 12-14 साल से उमर खान के साथ ही रहता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो उनके बारे में कहना है जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कैमरे के पास देखो सर। हाँ जी, अरे बोल रहा हूँ सर, टेंशन रखो। क्लियर हुआ जी, कास्ट क्लियर है लेकिन मैं आज ओपन नहीं करूँगा क्योंकि आज जो हमसे ना टकराना का मुहूर्त था, लेकिन हम दोनों भाई ने मिल करके सोचा नहीं, दोनों बहन रेखा अच्छा है, भगवान करे आपके मुंह में घी चक्कर मंत्री जी किसी का मांग भरने के लायक बन जाए। हीरो एक राहुल कपूर है, मंत्री जी राहुल कपूर जी हीरो बन सकते, लेकिन मंत्री जी के बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। हीरोइन कौन है? हीरोइन तो आने वाला कल बताएगा सर, आज मैं कैसे बता दूं? मंत्री जी से ही पूछे ना कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तब तो पता चलेगा। ऐसा कुछ ठीक है नहीं करेगा। चलिए अच्छा बताइए कब से शूट शुरू करने वाले हैं? बस अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट। वेलकम। एक मिनट सारे ग्रुप मेंबर को आने वाली होली ट्रोलिंग। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जो फिल्म आज मुहूर्त हुई है हमसे न टकराना, ये हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। अभी इन्होंने फिल्म बनाई थी, मैंने उसमें काम किया था, मिशन पाकिस्तान। अभी ये दूसरी फिल्म बना रहे हैं, इसमें भी करूँगा। और हमसे न टकराना के जो डायरेक्टर हैं उमर भाई, मेरे बहुत खास दोस्त हैं, उनके एक पिक्चर और कंप्लीट होने पर है, उसमें पवन सिंह हीरो हैं, उसमें मैं ही विलन हूँ, तो इनके साथ काफ़ी काम किया हूँ, कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि भी एक बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, खूबसूरत फिल्म बनेगी, क्योंकि उमर भाई इज़ ए वेरी गुड डायरेक्टर। मैं एक पूरी फिल्म किया हूँ एज ए विलन, मुझे मालूम है कि कितना अच्छा काम करता हूँ। अब गिनती तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हिंदी भोजपुरी में लाके कम से कम 400-450 फिल्म हो गई है जी। ये सर ये इंडस्ट्री में रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है कि 60 साल हो गए तब आप रिटायर हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी सांस में सांस है, आपके शरीर साथ देती है, आप काम कीजिए। और अभी तो मैं अभी नया नया जवान हुआ हूँ, तो मैं तो अभी मुझे बहुत काम करना है। हर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली तो हमारे हिंदुस्तान का और ख़ास करके हिंदुओं का इससे बड़ा खूबसूरत त्यौहार नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी हर्षोल्लास में रहता है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा उस दिन किसी के अंदर कोई दुरा, सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार मिलता है बस जी। बैठ के बताने जाऊंगा बहुत लंबा टाइम लगेगा। शाहरुख के साथ भी काम किया हूँ, सलमान के साथ भी काम किया हूँ, बच्चन साहब के साथ काम किया हूँ, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ काम नहीं किया है। और सबकी अपनी अपनी एक अदा है। और एक बात कहना चाहूँगा कि कोई यूं ही महान नहीं बनता, उसमें ज़रूर कोई खास बात होती तब वो बड़ा बनता है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करूंगा। और इस समय हम मुहूर्त पे आए हैं, फिल्म का नाम है हमसे न टकराना। तो बाबू हमसे जे टकराए चूर चूर हो जाई। इसके डायरेक्टर उमर खान जी, जिनकी फिल्म मैं पहले भी कर चुका हूं, सजना साथ निभैया हमार। और उमर खान जी बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उमर जी के लिए। जी इस पिक्चर का मैं भी हिस्सा हूँ।
अभी नहीं, अभी सिर्फ उन्होंने बताया है कि संजय बाबू आप कर रहे हैं सिनेमा और क्या करेक्टर है, करेक्टर तो कॉमिक ही होगा, लेकिन अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि आप ये इस तरह का किरदार है। बहुत बहुत उमर भैया ने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दिया है और मैं नहीं, उनके लिए तो मैं हमेशा एक्साइटमेंट रहता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ पिछली बार काम कर चुका हूँ और 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उमर भैया ने मुझे काम दिया था, तो मुझे याद है, तब से मैं छोड़ा नहीं उनको और मेरे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आकाश भाई बड़े एनर्जेटिक एक्टर हैं, मैं उनके साथ 2 फिल्में किया, तेरे जैसा यार कहाँ और अभी हम लोग कर रहे हैं चोर मचाए शोर, और आकाश जी नो डाउट हमारे इंडस्ट्री के लिए एक एंग्री यंग मैन स्टार साबित होंगे। होली की हाँ बाबू नज़दीके बा होली, होली सब खेलिया लेकिन हाँ कलर लगाइया जरूर, लेकिन अभी कहाँ से आजकल जो कलर आ रहा ना वो बड़ा ख़राब कलर होता है, चेहरे ख़राब हो जाते हैं और चेहरे ख़राब हो जाते हैं तो पपोले निकल आते हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग कलर लगाइए, होली बगैर कलर के तो मज़े नहीं है, लगाइए लेकिन संभाल के लगाइए हाई गलवा ख़राब ना हो के, तो मैं चाहूँगा आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली दबा के खेलिए और गुजिया गुलगुला ठकवा खाइए, हमारे लिए थोड़ा बचा के लेके आइएगा। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं गिरीश शर्मा, हमसे न टकराना पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं इसमें आकाश जी हीरो हैं, सुभी शर्मा हीरोइन है और राकेश मिश्रा जी हैं, तनुश्री हैं। मैं उमर खान जी को बहुत बहुत डायरेक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर साहब मनप्रीत जी को प्रोड्यूसर हरदेश पुरी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि 2018 की ये फिल्म सबसे सुपर डुपर हिट, थैंक यू। दर्शकों को मैं होली की शुभकामना देना चाहता हूँ, होली में खूब खेलिए खाइए पीजिए मस्त रहिए और अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नशे में ना होइएगा, हैप्पी होली, थैंक यू। जी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे ना टकराना टीम को, और क्योंकि कॉन्सेप्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है, और मनप्रीत जी और हृदेश जी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। नहीं अभी कुछ मैंने ऐसे कुछ नहीं है, अब मैं जस्ट आई हूँ यहाँ पे इनसे मिलने के लिए। और हाँ जी मेरे पर्सनली मेरे प्रोजेक्ट्स जो है उड़ान मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और चीरहरण जो विराज जी के अपोजिट में कर रही हूँ, और इसके अलावा सीरियल्स तो आप ही मुझे सीरियल्स में देखते ही होंगे। जी आपकी पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आप लोग मस्ती कीजिए और बी सेफ और सेफ्टी से आप लोग होली खेलिए और खूब इन्जॉय कीजिए, खूब मिठाइयाँ खाइए और इन्जॉय कीजिए। भाई ऐसा है कि जब भी कोई नया बच्चा जब जन्म लेता है तो घर में ढोल बजती है ना? बिल्कुल। और अगर किसी नए काम की शुरुआत होती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता किसी के, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फिल्म नहीं बल्कि मैं 2 फिल्मों का मुहूर्त कर रहा हूँ, और मैंने कभी जिन कलाकारों को इस बार मैंने जिनका चयन किया है उनके साथ मैंने कभी काम तो नहीं किया है लेकिन उनके बारे में सुना है और मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझे कॉपरेट करेंगे और मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगी। बिल्कुल खान सर, बिल्कुल सर, आप भी कह रहे हैं कि हमसे ना टकराना, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि आप मुझे कह रहे हो कि हमसे ना टकराना, पढ़ने के बाद हर कोई यही कहेगा कि हमसे ना टकराना, टाइटल खुद बोल रहा है, तो टाइटल जो बोल रहा है उसका मतलब ये वाकई में ये तीनों हीरो मेरे जो हैं ये वहाँ चैलेंज कर रहे हैं, उस इलाके के अंदर कह रहे हैं कि हमसे ना टकराना वरना ख़त्म हो जाओगे, मिट जाओगे, क्योंकि हम तीनों आ गए हैं तो ख़त्म ही कर डालेंगे सब। हैंडसम हीरो नहीं, मैं तो शर्ट वर्ट खोल के फेंकवा दूंगा फाइट के अंदर और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा हीरो कितना मजबूत है, तब ये कह पाएगा कि हमसे ना टकराना, अदरवाइज ऐसे थोड़ी कह सकता है। खान साहब की सारी बातें सर आँखों पर, जैसा बोलेंगे आग में कूद जाओ तो कूदने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इनकी सोच जो है फिल्म को लेकर वो मिजाज इनका ऐसा है बड़ी फिल्म में बनाने का कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये मौका मुझे दे रहे हैं बहुत बड़ा एक ज़िंदगी बदलने का एक मौका है, अपने करियर को बदलने का एक मौका है, तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगा और इनको निराश नहीं करूँगा, मैं इनसे वायदा करता हूँ आप लोगों के सामने। जी
देखिए जैसा उन्होंने कहा अभी बॉडी वॉडी की जरूरत पड़ेगी तो उसको और मांझा जाएगा, एक्शन पे और ज्यादा काम किया जाएगा, क्योंकि एक्शन लव स्टोरी होने के अलावा इसमें कुछ 11 एक्शन सीन है खान साहब आप बोले थे, तो अगर 11 है 11 अलग किस्म के एक्शन होंगे, जाहिर सी बात है अलग अलग सिचुएशन के एक्शन होंगे, तो उसकी तैयारी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इनके हिसाब से इनके अपोजिट शुभी कर रही है, शुभी शर्मा पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं, नामचीन एक्ट्रेस हैं ही, अच्छी अभिनेत्री होने के अलावा एक अच्छी इंसान भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मज़ा आएगा बिल्कुल। तीसरे नहीं, 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 नहीं। टाइटल के हिसाब से आपने सवाल अच्छा पूछा है, ना तो इसमें कोई मिथुन का कैरेक्टर कर रहा है ना डैनी का कैरेक्टर कर रहा है, जब आप फिल्म देखेंगे तो उस फिल्म से एकदम अलग दिखाई देगी ये फिल्म, उस फिल्म का इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस फिल्म के अंदर तनुश्री है और क्या कहते हैं कि राकेश मिश्रा है, अयाज खान है, राजन मोदी हैं, देव सिंह, बलेश्वर, समझ रहे हैं, और एक बगल में मेरे मोहतरमा खड़ी हुई हैं, वो तो मैं और लास्ट में मैं अभी सोचता 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 और आखिर में जब ना बोलता तो ये मुझे इशारा जरूर करती। नहीं इनके अपोजिट कोई हीरो नहीं, इनके अपोजिट जो इनका इनका दौर हमने देखा है भाई, हम आज के नहीं हैं, हम शकीला मजीद को जानते हैं, समझे कि नहीं, ये उस अपने ज़माने की एकदम हॉट गर्ल हुआ करती थी शकीला मजीद। नहीं मैंने देखा है मैडम, मैंने वो फोटोग्राफ देखे हैं जो शायद आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरा होगा, और बहुत ही अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतना सब होने के बाद, इतना सब समय देखने के बाद आज भी मिलनसार हैं, उसी तरह से मिलती हैं जिस तरीके से पहले हुआ। दरअसल बात ये है, मैंने हॉट गलत बोला? नहीं मैंने हॉट गलत बोला होता हूँ। सबसे पहले मैं शकीला मजीद आदाबर्ज है आप सबको, पूरी मतलब हमारे टीम को और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, और पहली बात ये है कि उमर साहब जो बोल रहे हैं, दरअसल उमर साहब अपोजिट समझ लीजिए, इनका दौर भी मैंने देखा है। हिला दिया आपने ये बात, इनका दौर भी मैंने देखा है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि कुछ बदल गए हैं, बस अभी भी वही है मेरे नज़र में। जरूर धमाल कर देंगे फिर। कर ले है ना? कर लीजिए, कर लीजिए, बेहतरीन कमाल का गाना है, रोमांटिक गाना है, और खान साहब की खासियत यह है कि उनकी फिल्म में अक्सर गाना सुपर डुपर हिट होता है, और एक दो ट्रैक नहीं सारे के सारे ट्रैक सुपर हिट होते हैं, तो अब जब ये डर निकल गया दिल से कि मुझे कौन सा गाना मिलेगा हिट, जब सारे गाने हिट है तो उसमें तो मेरे गाने होंगे ही और हिट होंगे ही खान साहब, तो इसलिए इसमें कोई, और गुरमन सिंह जी का म्यूज़िक है और कवच जी ने लिरिक्स लिखा है, कमाल का लिरिक्स लिखा है, ऐसे सीनियर लोगों के साथ काम करने में बहुत सौभाग्य है जी। हाँ हाँ हाँ, मांग भरो सजना मेरे ख्याल से उसका पोस्टर बेहतरीन बना है आंखों पे। पहले मेरी मांगे पूरी हो जाए उसके बाद मांग करूँगा। बिल्कुल सर, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। सभी को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार, और जो भी दर्शक इस मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद है, हम ज़्यादा कुछ क्या सकते हैं, आपका आशीर्वाद है तो बस मुंबई जैसी नगरी में हम हर एक दिन एक नया फिल्म करते हैं, और श्रोता मेरा भगवान है, आप नहीं होते तो हम नहीं होते, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे ये है कि भाई के साथ पहली बार कर रहा हूँ, और भाई बहुत अच्छे मजे हुए एक्टर है और अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान है, तो बस कोशिश है कि कुछ अच्छा करूं। और राकेश जी के स्टार पावर से कोई वंचित नहीं है, उनकी गायकी के कितने दीवाने हैं ये फेसबुक और ट्विटर सारा जमाना जानता है, और इनके साथ करने का सौभाग्य एक बार पहले प्रयास था, होते होते रह गया, लेकिन राम भरत मिलाव हो ही गया है कि नहीं राकेश जी? वो अब हम
हमसे ना टकराना जो बात है वो बात समझ में आएगी जगह पे, अभी इस बात में मैं कुछ नहीं खोल सकता क्योंकि वो अंदर की बात है। जमाने से टकरा रहे हैं हम लोग। हाँ, फगुआ के बहुत बहुत बधाई पूरा देशवासी के, पूरा भोजपुरी समाज के। और फगुआ ऐसा महीना है कि रसगर महीना है, सभी के मूड मिजाज रसगर रहला, तो फगुआ में का कहे जे जहाँ मिले हुए लगावे के काम में। हाँ, फगुआ में एगो गीत हमारे काफी चर्चा में बा कि फागुन में भैलू तू हरिहर फूदेना, अछोली के सियन फरे फूलगेना, कि लागत कि कैले बड़ू इतना तू तूफान, तयाई से जानी रंगा वाला गाई पटियाला जीजा इतर उरा साढ़ू के सामान। बोलिए बोलिए, बहुत बहुत बधाई। हमसे ना टकराया क्योंकि ये पिक्चर एक बहुत, इसमें टकराहट बहुत ज़्यादा होने वाली है, बैक टू बैक हमसे ना टकराओ, इसका मतलब समझ जाइए अब कितनी टकराहट किस किस के साथ होगी और कौन कौन किसे टकराएगा। तो वो एक्चुअली में रियल लाइफ में टक्कर चल रही हैं, टक्कर ले रही हूँ। यस, फिर कोई टकरा नहीं पाएगा मुझसे, इसलिए मैं टक्कर लेने के लायक हूँ। और कोई भी टक्कर लेगा वो वैसे ही जाने दीजिए। और आज हम सेट मतलब मुहूर्त पे है, आज पीछे का मुहूर्त हुआ है और डायरेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, उमर खान जी। और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये मुझे चांस मिला इस पिक्चर में उमर खान जी के साथ काम करने का, क्योंकि उनका नरेशन जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी उनकी स्क्रिप्ट होती है और डायरेक्शन में बहुत अच्छे हैं। तो मैं मतलब मेरे काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं उनके साथ में काम करूँ, और आज वो दिन वो आ गया है कि आज मुहूर्त हुआ है। पिक्चर बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं 15 डेज के अंदर, तो हम लोग सब शूटिंग भी आसपास में ही करने वाले हैं, मुंबई के पास में, गुजरात में। अभी लोकेशन का सर्चिंग चल रहा है। और बाकी इसमें हीरो हैं राकेश मिश्रा जी हैं, तनुश्री जी हैं, आशीष जी हैं, रवि किशन जी हैं, और मैं तो हूँ शिवी शर्मा। और कुछ पूछना चाहेंगे पिक्चर के बारे में? हाँ, मेरे अपोजिट इस पिक्चर में दो हीरो हैं, एक का सरप्राइज है एक का, और एक आकाश जी तो है नो डाउट। मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, बट उनकी एक्टिंग के लिए मैंने सुना है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डांस भी बहुत अच्छा है उनका, तो हमारा पेयरिंग पहली बार ऑन स्क्रीन आएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी। मनमीत जी प्रोड्यूसर हैं, मनमीत जी हैं और मनप्रीत जी हैं इस पिक्चर के प्रोड्यूसर अभी, क्योंकि मैं उनसे पहली बार काम कर रही हूँ। तो आई होप ये पिक्चर बहुत अच्छी बनने वाली है, जहाँ तक बात है प्रोड्यूसर इतने अच्छे हों, डायरेक्टर इतने अच्छे हों, पूरी टीम इतनी अच्छी हो, तो पिक्चर ज़रूर अच्छी बनती है और हमारे ऑडियंस को पसंद आए, बस मैं यही दुआ करती हूँ गॉड से। यस, बिल्कुल ये बात एकदम सच है कि अभी मैंने FIR केक में मैंने किया, राजेश जायसवाल एक आदमी है, पता नहीं कौन है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है, वो भी FB के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उसने बदनाम करने की कोशिश की, फालतू में कुछ भी अपडेट करता है शुभी जी ऐसे हैं वैसे, जब वो मुझे जानता ही नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो ये चीज़ तो गलत है ना। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ ये चीज़ हो, इसलिए मैंने एक्शन उठाया कि कोई भी इंसान आपको ऐसे हरेस्ट या टॉर्चर नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट की। और आज वो इंसान सलाखों के पीछे है, क्योंकि जो चीज़ गलत करेगा तो वो गलत करेगा वो भुगतेगा भी ज़रूर। इसमें बॉम्बे पुलिस ने मेरा बहुत हेल्प किया, सहयोग किया, और आई थिंक अभी कोई ऐसा और कोई ना करे। फैंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे परेशान करना गलत बात है। देखिए, उन्हीं के लिए मैं भी एक एक्टर हूँ, मुझे भी बहुत उन्होंने बोला कि फालतू में मुद्दा है छोटा सा है, क्यों उठा रहे हो इसको, क्या क्या मतलब है, बट ये मैंने मुद्दा इसलिए उठाया और मैंने पुलिस कंप्लेंट इसलिए करवाई राजेश जायसवाल के खिलाफ कि ताकि ऐसे इंसान पकड़े जाए। और जो भी मुंबई में क्या पूरे भारत में पूरे देश में अगर किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है या कोई टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी परेशान कर रहा है, तो पुलिस हमारे सपोर्ट में है और एक्शन ज़रूर उठाना चाहिए। आपको मतलब बोलते ना सहन, अत्याचार कितना सहन करेंगे, तो इसलिए अत्याचार बिल्कुल सहन मत कीजिए। कोई भी आपको परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, तो आप आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि बोलते ना कि सहन करने वाले से बड़ा सहन करने वाला गलत होता है। तो आप प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स हैं महिलाएं हैं ये चीज़ें मत कीजिए, आप आवाज़ उठाइए और ज़रूर हमारी सरकार गवर्नमेंट उस आवाज़ को सुनेगी। जैसे मैंने कंप्लेंट किया, आज वो आदमी पकड़ा गया, वैसे आप लोग भी कुछ भी ऐसा हो तो आप प्लीज़ पुलिस को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। और उसका भी एक और भी अच्छा जरिया है मीडिया,
क्योंकि मीडिया वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मीडिया है, पुलिस है हमारी, तो आप लोग प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए। और थैंक यू मीडिया के जितने भी लोग हैं, सभी को मीडिया को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुंबई पुलिस और मीडिया। बोलिए। सबसे पहली बात कि हम तो आर्टिस्ट हैं, तो कोई भी फिल्म जब बनती है तो हम तहे दिल से आत्मा से उसकी उसके लिए शुभकामना देते हैं, बिकॉज कि अगर वो फिल्म हिट हो जाती है और भी फिल्में बनती हैं और हमें काम मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो एज ए आर्टिस्ट मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर मनप्रीत जी और हृदयेश पुरी जी और हमारे प्यारे प्यारे डायरेक्टर उमर खान जी को मैं ढेर सारी हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। बाबू, ऐसे तो हम भोजपुरी फिल्म के सब फिल्म के हिस्सा हैं, काहे कि हम एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, जितना भोजपुरी भाषी लोग बा सबके कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हम हिस्सा हैं है। लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं भेल कि हम ये पिक्चर के हिस्सा बनी, पर चूँकि हमारा भाषा के फिल्म है, भाषा के जरिए तो हम एक हिस्सा बटले बने, मातृभाषा भोजपुरी हमारे। होली करीब है और ये हमारे नॉर्थ में बहुत जोर शोर से सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, हर्षोल्लास का नया दिन होता है, नई फसल तैयार होकर आती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से होली को बहुत ही खुशी का त्यौहार माना जाता है। हम लोग भी अभी से तैयारी में जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है आप लोग भी जुड़े ही होंगे। पुआ बनता है, मटन जो खाते हैं उनके यहाँ मटन बनता है, अबीर उड़ाया जाता है, हाँ? हम होली पे सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रेशमा श्रीवास्तव, मैं पहले तो हमसे ना टकराना के प्रोडक्शन टीम जो कि हृदयेश पुरी जी हैं, मनप्रीत सिंह जी हैं और उमर खान जी हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और हीरो हीरोइन सबको, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि बहुत अच्छी फिल्म बने। भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनेंगी तो वर्ल्ड वाइड हमारा भी नाम होगा, क्योंकि हम भोजपुरी भाषी हैं तो हमारा कल्चर जो है अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो पूरी दुनिया में, लोग मूवीज़ देखें, उनको सराहें और हम सभी एक्टर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। होली में मैं अपने सभी दर्शकों को ये शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके अच्छी तरह से होली मनाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और मालपुए खाइए, गुलगुले खाइए और रंग खेलिए और खूब मज़े करिए अपने फैमिली के साथ में। लव यू ऑल एंड विश यू हैप्पी होली। सबसे पहले तो तनुश्री का आप सभी को प्रणाम, जो भी हमें देख रहे, जो भी भोजपुरी दर्शकों हमें देख रहे, बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आज अगर मेरा इंटरव्यू हो भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे हमसे ना टकराना फिल्म के बारे में? नाम के हिसाब से समझे गए होंगे आप कि हमसे गलती से भी मत टकराना। बहुत ही रिवेंज टाइप स्टोरी है ये, एंड बहुत ही डिफरेंट है। लव स्टोरी ऑफ कोर्स है इसमें, मिक्स है, रिवेंज भी है, एक्शन है, कॉमेडी पार्ट है, तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं आप भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी? आई गेस, आई होप कि मैं ऐसा करूं, बट आई डोंट थिंक सो इतना होगा, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सच में कोई एक्शन करूं तो आई विल डेफिनेटली डू इट। अभी बता दिया फिर तो हो ही गया, थोड़ा बहुत। बहुत ही लवली सा स्टोरी एक है जिसमें मैं एक स्वीट सा क्यूट सा गर्ल का रोल निभा रही हूँ, जिसको देख के मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है, एंड फिर उसको पाने के किस हिसाब से उसको पाया जा सकता है, वैसा कैरेक्टर है मेरा।
कितने गाने आपके ऊपर फिल्म आए जाएंगे इस फिल्म? हाँ, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में. सो मे बी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है या एक भी हो सकता है. अभी तक डिसाइड हुआ नहीं, बट हाँ है, सॉन्ग तो है एंड बहुत क्यूट क्यूट सॉन्ग है. इसके अलावा भी अगर आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट हों, अगर आप उनके बारे में? अभी जस्ट एक हमने कंप्लीट किया है, दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें ऋषभ कश्यप जी एज अ को स्टार है मेरे. उससे पहले हमने साथ में कई साल पहले एक फिल्म की थी, तू ही मेरी जाने राधा पार्ट वन. तो अभी तो हाल ही में यही सेट पर चल रहा है. उसके बाद सजना साथ निभाइया हमार, जिसकी अभी हाल ही में 20 को ही मुहूर्त हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे थी और मैं नहीं आ पाई. बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को लेके, बट आज जब हमसे ना टकराना इसका जब मुहूर्त हो रहा है तो फॉर्चुनेटली मैं फ्री थी एंड आई एम हियर, वेरी हैप्पी फॉर यू. होली बहुत करीब है, आप अपने दर्शकों को और देशवासियों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सेफली होली खेलो, किसी को तकलीफ मत देना, किसी को हर्ट मत करना. क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं होली खेलती थी स्कूल टाइम में, तो कीचड़ वगैरह से हम लोग काफ़ी खेलते थे. बलून के अंदर बहुत टमाटर के गंदे गंदे पोचे हुए टमाटर होते, उससे मार मार के खेलते थे. ऐसा वाला बिल्कुल भी मत खेलना, हेल्दी टाइप का खेलना, किसी को तकलीफ ना हो. कोई लेडी को ऐसा कलर मत लगाना जिसके उसका यू नो स्किन खराब हो जाए. सो बट एंजॉय इट. शुभकामनाएं क्या होंगी पूरे देशवासियों को, और आप किस तरह से होली खेलेंगी? मैं पहले बहुत होली खेलती थी, बट अभी तो समझ सकते हैं आप, इतना नहीं खेलती. बट जब भी ऐसा कोई गाना वगैरह होता है हमारे फिल्म में कि होली, तब जम के हम लोग होली खेल लेते हैं. मतलब ज़रा भी नहीं छोड़ते, जितना हो सके रंग वंग उड़ा के बहुत खेलते हैं. आप सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे टीम की ओर से. आकाश जिसे मैं बहुत पहले मिली थी एक रिहर्सल पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाना हो नहीं पाया हमारा. एंड जितना मैंने नोटिस किया है, ही इज़ वेरी स्वीट टाइप ऑफ पर्सन, वेरी नेचुरल, बहुत ही डिसेंट पर्सन है. सबको कैसे इज्जत दिया जाता है, ही नो दैट वेरी वेल. सो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे. फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो लाजवाब है. हमारे जो डायरेक्टर है उमर खान जी, जब वो हमको समझाते ना, ऐसा लगता है जैसे शाहरुख खान उनके अंदर घुस गया हो. सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो उनकी ये है, एंड आई लाइक दिस अबाउट हिम. वो समझाते बड़ा अच्छा है. मतलब वो जैसे हमको स्टार्ट करते ना समझाना, तो हम लोग खुद ही उस रोल के अंदर, उस सीन के अंदर डूबते चले जाते हैं. दैट इज़ बेस्ट पार्ट विच आई फाउंड इन हिम. एंड प्रोड्यूसर तो है ही, ऑब्वियसली ही इतना कर रहे हैं हमारे लिए. एंड जो मेन है हमारे इंडस्ट्री में, आई थिंक जितने भी प्रोड्यूसर है सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपकी वजह से ही इंडस्ट्री चल रही है, आपकी वजह से 200 भी नहीं बहुत लोगों का घर चल रहा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जितने भी प्रोड्यूसर है सब आगे बढ़ते रहे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.